नमस्कार, मैं उप्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अक्सर आपने भी गली मोहल्ले में खुले नालों को देखा होगा, जिसके कारण बदबू की समस्या तो होती ही है, साथ ही साथ यातायात की भी समस्या होती है। लेकिन राजधानी पटना में अब ऐसा नहीं होने वाला है। इतना ही नहीं, जल्द ही राजधानी पटना में गली मोहल्ले की सड़क को मुख्य सड़क और अटल पथ से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कई अलग अलग सड़कों का निर्माण भी होने वाला है। इसमें सबसे खास बात यह है कि नाले को काटकर सड़क बनाई जाएगी, जिससे नाले के ऊपर से गाड़ियां चलेंगी। इसके अलावा 5 अन्य सड़कों का निर्माण किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार ये सड़कें दिघा विधानसभा क्षेत्र की इन सड़कों के निर्माण के लिए नगर निगम की तरफ से NOC भी मुहैया करवा दी गई है, जिसके बाद अब बाबा चौक से अटल पथ तक सड़क का निर्माण नाले के ऊपर से किया जाना है। जिन सड़कों का निर्माण किया जाना है उसमें बाबा चौक से इंद्रपुरी महेश नगर और AN कॉलेज के पीछे बाउंड्री के 6 लेन तक की सड़क किनारे नाले को पाट कर सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा राजीव नगर रोड नंबर 23 और 24 होते हुए 6 लेन तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। पाटलिपुत्र कॉलोनी में स्थित विभिन्न प्लॉट के बीच स्थित सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। पंचमुखी मोड़ से बाबा चौक और शकुंतला मार्केट से नाला तक सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। अनिसाबाद स्थित पुलिस कॉलोनी के सेक्टर ABCD के मुख्य और आंतरिक सड़कों का निर्माण किया जाएगा। गर्दनीबाग रोड नंबर 1 बाघ मूर्ति से कालीबाड़ी कच्ची तालाब सरिस्ताबाद होते हुए 70 फीट बाईपास तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में दिघा विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव चौरसिया के द्वारा पटना नगर निगम को दिघा विधानसभा क्षेत्र की सड़कों का अधिग्रहण करने का आदेश जारी किया गया था और इसको लेकर प्रस्ताव भी जारी किया था, जिसमें दिघा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई ऐसी सड़कें हैं जो पथ निर्माण विभाग के सड़क से जुड़ी हुई है, लेकिन इनका निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। महापौर और नगर आयुक्त की स्वीकृति के बाद इसके निर्माण में तेजी आएगी। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दिघा इलाके में जाम की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।